लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होती है वीगन डाइट, यानी क्या खाएं और क्या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में 13.6 करोड़ आबादी प्री डायबिटिक है। वही भारत में 2023 तक भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। शोध के अनुसार जीवन शैली व खान पान के कारण भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 2025 तक 15 करोड़ से ज़्यादा होगी। डायबिटीज़ के मरीजों को ब्लड शुगर मैनेज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन लेवल कंट्रोल करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए संतुलित जीवन जीने के लिए कहा जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ाना 30 मिनट तक एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए ताकि अचानक से शुगर का लेवल कम या ज़्यादा ना हो और डायबिटीज़ के मरीजों की परेशानी ना बढ़े। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को होने वाली परेशानियों में से एक है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। कई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि वीगन डाइट डायबिटीज़ के मरीजों को होने वाले विभिन्न समस्याओं से राहत दिला सकती है। तो डायबिटीज़ रोगियों के लिए वीगन डाइट के फायदे क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वीगन डाइट कई तरह से फायदेमंद होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन लेवल को मैनेज करने में मदद करते हैं। वीगन डाइट शरीर में ग्लूकोज के स्तर को भी मैनेज करती है जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। वीगन का मतलब शुद्ध शाकाहारी डाइट होता है। वीगन डाइट वाले लोग डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते। वीगन डाइट को फॉलो करने वाले जानवरों से मिलने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, दूध, दही, घी, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, शहद जैसी चीज़ें नहीं खाते हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधों से मिलने वाले फल, सब्जियां, अनाज, मेवे वगैरह का सेवन करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है तो वीगन डाइट आप स्टार्ट कर सकते हैं और डायबिटीज से अपनी डायबिटीज से बच सकते हैं और या डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।